पूर्व पार्षद एवं पार्षद पति मोहम्मद अहसन से अंबरगंज वार्ड के बारे में, स्वच्छता अभियान के बारे में, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये एक प्रतियोगिता जारी हुई है और इसमें हर वार्ड में हर पार्षद अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहा है वार्ड को बहुत ही साफ सुथरा करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए। आइए बात करते हैं पार्षद पति मोहम्मद अहसन जी से। पार्षद जी, बताइए कि स्वच्छता अभियान के बारे में क्या कहना है। स्वच्छता अभियान एक अच्छी पहल है और हमारे मजहब में भी सफाई सुथराई के लिए बहुत खासतौर से कहा गया है, मगर मैं ये समझता हूँ कि स्वच्छता अभियान सिर्फ कागजों पर चल रहा है और ये मोदी जी की योजना, उनके मंत्री उत्तर प्रदेश के और चाहे अफसर शाही हो, ये सिर्फ कागजों पर निपटा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूँ कि अंबरगंज वार्ड में नगर विकास मंत्री जी का लखनऊ के अन्य वार्डों में दौरा किया गया, अंबरगंज वार्ड उनसे अछूता रहा। मेयर साहिबा हमारी बहुत ऊर्जावान मेयर चुनी गई महापौर जी, मगर उन्होंने भी अंबरगंज वार्ड की तरफ कोई रुख नहीं किया, किसी तरह का रुख नहीं किया और विकास की तो बात छोड़ दीजिए। मानक के अनुरूप अंबरगंज वार्ड में 30,000 की आबादी और 10,000 की आबादी पे कम से कम 30 का सफाई कर्मचारी का प्रावधान है नगर निगम की रूटीन के हिसाब से, परंतु हमारे अंबरगंज वार्ड में मैंने 3-4 बार लेटर नगर आयुक्त जी को दिया कि सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाए। अंबरगंज वार्ड में वर्तमान समय में 54 कर्मचारी हैं 30,000 की जनसंख्या। ऐसी स्थिति में मैं ये समझता हूँ कि सफाई अभियान सिर्फ कागजों में चलने वाला खेल है और कुछ भी नहीं इसके अलावा। पार्षद जी, जैसा कि आज स्वच्छता अभियान के तहत जो प्रतियोगिता है उसका मूल्यांकन की तारीख आज 15 तारीख है, आज से इसका मूल्यांकन शुरू होगा, तो क्या कहना है इस बारे में, जो अपने वार्ड के बारे में जो स्वच्छ अभियान है जिसमें कि हरियाली है, साफ सफाई है, है, इस बारे में आपने क्या जी की जो आपने बात की है उसमें मैंने तमाम शौचालय बनवाने हेतु निवेदन करता हूँ कि फॉर्म जमा करवाए जो अभी ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं, जिनका कोई जवाब नगर निगम की तरफ से नहीं मिला। सफाई सुथराई अपने स्तर से जो भी कर्मचारी अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, उनके जरिए जो की जा सकती है वार्ड में की जा रही है। बाकी पक्षपातपूर्ण रवैया पूरी तरह से आप ही है और मैं तो ये समझता हूँ कि वो इनाम और इकराम से उन्हीं को नवाजा जाएगा जो भाजपा के चुनिंदा पार्षद है। मेरा सीधा सीधा आरोप नहीं, पूरा पूरा इतबार है इस बात पे कि पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ मूल्यांकन जो किया जाएगा उसमें भाजपा के पार्षदों को प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा। आप देखिएगा 2000 अंकों का जो ये प्रतियोगिता है, तो इस बारे में क्या लगता है कि 2000 अंकों में आप कहाँ तक सफल होंगे, आपको लगता है अपने वार्ड को कोशिश करेंगे प्रथम लाने की या उससे अच्छा बेहतर बनाने का? हमारे वार्ड की जनता जागरूक जनता, हम जो बराबर बराबर जागरूक किए रहती है कि कहाँ पर गंदगी है, कहाँ पर सफाई होना है, उसके तहत मैं सिर्फ मुझसे जो हो सकता है मैं करता हूँ। और बाकी सफाई अभियान का तो स्वरूप आप देख लें, महापौर जी ने एक दौरा भी नहीं किया, एक वर्ष प्रथम वर्ष गार्ड भी बना ली नगर निगम में उन्होंने, मगर अंबरगंज वार्ड की तरफ देखा नहीं। सफाई कर्मचारियों के लिए नगर आयुक्त जी को 3 बार 15 कर्मचारी बढ़ाने के लिए सेनेटरी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के साथ में पहुंचा कि यहाँ पे आवश्यकता है कम से कम 25 कर्मचारियों के लिए, मैंने दिखा था कि बढ़ाए गए 15 भी नहीं बढ़ाए गए, 10 भी नहीं बढ़ाए गए। तो ऐसी स्थिति में मैं तो नहीं समझता हूँ कि मेरा वार्ड कहीं से उनके अनुसार कहीं से कोई नंबर पाए। तो इसमें आपको लगता है कि आप किसी भी प्रोत्साहन राशि से वंचित रह जाएंगे? बिल्कुल रह जाएंगे, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की कमी है, आवश्यकता है, जिसका पक्षपात हुआ रवैये के तहत हमको एक भी सफाई कर्मचारी नहीं दिया गया। जब से नगर निगम का एक वर्ष पूरा होने वाला है इस सत्र के प्रेजेंट, पिछले कार्यकाल में मेरे सफाई कर्मचारी मेरे अनुसार कुछ बढ़े थे, जिसके अनुसार अभी नया जो परिसीमन हुआ उसमें 6 मोहल्ले मेरे वार्ड में जुड़े थे, सम्मिलित किए गए, जिसमें कि 6 मोहल्ले में हमको एक भी सफाई कर्मचारी नया नहीं दिया गया। नागरिकों से क्या अपील करना चाहेंगे? नागरिकों से अपील है कि खुद भी स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने और हमारे लायक जो काम हो
हम उसके लिए हमेशा सदैव हाजिर हैं। हमको फोन के जरिए, दूरभाष के जरिए या मेरा ऑफिस 12 घंटे 11 घंटे खुलता है, हम नहीं होते हैं तो कोई ना कोई ऑफिस में बैठता है, उनकी जानकारी में आता है तो सफाई को पूरी तरह से किया जाता है, और यदि फिर भी कहीं छूटता है तो मोबाइल के जरिए लोग हमको बता देते हैं। हम अपने स्तर से जो प्रयास किया जा सकता है पहले भी करते रहे और आगे भी करते हैं। इसका मतलब है कि पार्षद जी नगर निगम की कार्यप्रणाली से आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल खुश नहीं है, पूरा पक्षपात पूर्ण रवैया है। जब हमको एक साल होने वाला, एक साल में 5 सफाई कर्मचारी नहीं दिए गए तो मैं क्या जानूं, मैं क्या समझूं आप। ये थे नगर निगम के, ये थे पार्षद पति अंबरगंज के मोहम्मद अहसन, जो कि नगर निगम कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। देखना होगा कि अब नगर निगम किस तरह से इनकी शिकायत को लेता है, कितनी गंभीरता से लेता है। PSN News, Arshad Ahsan.